धर्म एक व्यक्तिक अनुभूति, उसके बारे में कुछ विचार आगे। हम क्यों आदिवासी रह गए अध्यात्म के संबंध में? तो पहली बात, विज्ञान संदेह से विकसित हुआ और धर्म विश्वास के कारण मर गया। विज्ञान का सारा विकास हो सका डाउट के कारण, मन में रहे संदेह के कारण, और धर्म का विकास नहीं हो सका विश्वास के कारण, एक बिलीफ के कारण। और धर्म का विकास नहीं हो सकेगा कभी भी अगर वह विश्वास से ही बंधा रखा गया तो। विश्वास का मतलब ही होता है विकास नहीं। विश्वास में आगे जाने के लिए कोई गति नहीं है। विश्वास एक गोल चक्कर है जिसमें आप घूम सकते हैं लेकिन आप आगे नहीं जा सकते। विश्वास कुल्लू के बेल की तरह है, चक्कर लगाता रहता है और लगाता रहता है और लगाता रहता है। मैंने सुना है बंगाल में एक बहुत बड़ा विचारक था। वह एक दिन सुबह अपने गांव के तेली के पास तेल खरीदने गया था। वह तेल खरीदने लगा और उसने देखा कि तेली के पीछे ही उसका कोल्हू चल रहा है। बैल कोल्हू को चला रहा है, कोई उसको नहीं चला रहा है, बैल खुद ही अपने आप चले जा रहा है। तो उसने उस तेली को पूछा कि मेरे दोस्त, बड़ी अजीब बात है, तुम्हारा बैल बड़ा धार्मिक मालूम होता है, कोई उसे चला भी नहीं रहा और वह चला जा रहा है, बस चला जा रहा है, उसको शक भी नहीं होता कि रुक कर देखते हैं कि कोई पीछे चलाने वाला है भी या नहीं। तुम तो पीठ किए हुए बैठे हो। उस तेली ने कहा, अगर तुम बैल को धार्मिक कहते हो तो मुझको एक पुरोहित समझ लो। देखते नहीं हो, मैंने उसकी आंख पर पट्टियां बांध दी है, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस विचारक ने कहा कि यह भी ठीक है कि तुमने उसकी आंख पर पट्टियां बांध दी है, लेकिन कभी वह रुककर भी तो पता लगा सकता है कि कोई पीछे चलाने वाला है या नहीं। उसने कहा कि तुम देख नहीं रहे हो, उसके गले में मैंने घंटी बांध दी है, जब तक वह चलता रहता है घंटी बजती रहती है, जब वह रुकता है तो घंटी रुक जाती है। मैं उठकर उसको फिर चला देता हूँ, उसे पता भी नहीं चल पाता कि पीछे कोई मौजूद नहीं था। उस विचारक ने कहा एक अंतिम प्रश्न और, बैल बड़ा नासमझ मालूम होता है, खड़े होकर सिर हिलाता रहे तो घंटी बजती रहेगी और तुम समझोगे कि बैल चल रहा है। उस तेली ने उत्तर दिया कि महाराज धीरे बोलिए, कहीं आपकी बात बैल न सुन ले, यदि सुन लेगा तो हमारा सारा धंधा ही चौपट हो जाए। अगर बैल को यह पता चलता है या पता चल जाए कि सिर्फ खड़े रहकर घंटी बजाई जा सकती है। आज बस इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।